नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी का। आई होप यूर गुड एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। ठीक है, तो देखो यार, आज की वीडियो में ना मैं बताने वाला हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रक्षण शर्मा वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर या रक्षण शर्मा वाली चीज के ऊपर। ठीक है, देखो मतलब इतना सा बताना चाहता हूँ कि आप लोग बोलोगे कि भाई अर्जुन भाई आप कितने लेट इस चीज के ऊपर बात कर रहे हो। देखो यार, लेट करने का रीजन ये है ना कि जैसे ही वो चीज हुई थी मैं वैसे ही रिएक्ट करता ना, तो लोग बोलते कि भाई तू व्यूज के लिए ये कर रहा है, तेरे को व्यूज चाहिए तू तभी ये चीजें कर रहा है। क्योंकि भाई आपका भाई कभी भी किसी एक बंदे की साइड नहीं लेता, आपका भाई हमेशा आप लोगों के सामने सच रखने की कोशिश करता है, फैक्ट्स के ऊपर बात करता है। और वही चीज आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। ना मैं रक्षण शर्मा की साइड लेने वाला हूँ और ना ही उस पुलिस वाले की साइड लेने वाला हूँ। बस जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर करके आप लोगों के सामने रखने वाले और मेरा क्या ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरी ये वीडियो देखने के बाद लोगों को लगे कि भाई ये रक्षण शर्मा के खिलाफ है, ये चीज है, उससे हेट करता है। तो पहले बता दूं यार, हेट वाला कोई सीन नहीं है। नो डाउट रक्षण शर्मा अच्छा क्रिएटर है, उसने बहुत बार मेरे को हंसाया, आप सबको हंसाया, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भाई सिंपल सी बात है, फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, रियल चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, और हो सकता है ये कंट्रोवर्सी फेक हो, जानबूझकर की गई हो, सब चीजें इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। बस वीडियो के साथ जुड़े रहना, ठीक है, लाइक करना है मत करो, लाइक करो मैं कुछ नहीं बोलता, बस सुन के जाओ और थोड़ा सा माइंड को खोलो, थोड़ी सी चीजों को देखो कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो का ओवरव्यू काफी है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को, जिन लोगों को पता ही नहीं कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, कौन सी स्टोरी बताने वाला हूँ, रक्षण शर्मा के साथ हुआ क्या, उनके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि गाइस रक्षण शर्मा नाम का हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि बेसिकली बोलते हैं जम्मू से यूट्यूबर हैं, जिनके की 50,000+ जो है वो सब्सक्राइबर बेस है यूट्यूब पर। ठीक है, और वो काफी अच्छा जो है लोगों को एंटरटेन करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी कभी प्रैंक्स करते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ कि वो जो थे वो पब्लिक में प्रैंक करने, मान लो ये एक सोशल मैसेज देने के लिए जो वो पब्लिक में जाते हैं और उन्हें जरूरत पड़ती है एक यूनिफॉर्म लाने की, यानी कि पुलिस की यूनिफॉर्म लगाने की। ठीक है, तो वो उसी चीज के लिए जो थे वो पब्लिक में जाके चीजें कर रहे थे, लेकिन उनके यूनिफॉर्म से लग नहीं रहे थे पुलिस वाले। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि वो एक पुलिस वाले के पास चले गए, तो उन्होंने कहा, उनसे पूछने लगे कि भाई मैं पुलिस वाला लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो पुलिस वाले ने उस चीज के जो था ऊपर जो है वो उनको मतलब मारा वगैरह, वो चीज हुई मेरे भाई। ठीक है, तो मतलब उन्होंने उसको पुलिस को मारा, गालियां वगैरह दी, उसके बाद रक्षण शर्मा का फोन वगैरह लिया, फिर थाने में लिया, उसको पीटा वीटा, मतलब जो भी चीज थी आप ये सकते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। स्टोरी ओवरव्यू थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चल गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ या हुआ क्या है। तो खैर, अब यहां पर बात कर लेते हैं इस चीज की, फर्स्ट ऑफ ऑल की रक्षण शर्मा सही था या गलत था। ठीक है, देखो मेन पॉइंट में बताता हूँ कि रक्षण शर्मा विदआउट परमिशन जो है वो पुलिस यूनिफॉर्म लगा के पब्लिक में गया था। तो ये चीज को आप ध्यान से समझो, जो मैंने बोला उसको फिर से सुन लो कि भाई रक्षण शर्मा जो था वो विदआउट परमिशन पुलिस की यूनिफॉर्म लगा के पब्लिक में गया था। मैं कुछ नहीं बोलता, पहले आप लोग बोलो क्या ये सही है या गलत है, क्या इस क्या परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी अगर वो इस प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या सोशल मैसेज दे रहे थे। नो डाउट बहुत अच्छा सोशल मैसेज दे रहे थे, बहुत अच्छा मैसेज उस चीज से जाता मेरे भाई। ठीक है, लेकिन यहां पर ये चीज है कि भाई परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना यार, विदाउट अगर परमिशन ये चीज कर रहे हैं तो यहां पर रक्षण शर्मा की साफ साफ सिंपल सी चीज जो है वो गलती निकल के आती है मेरे भाई। अब रक्षण शर्मा के फैन मेरे ऊपर जो है वो भड़क पड़ेंगे या उनको पसंद करते हैं, लेकिन फैक्ट तो है ना मेरे भाई यार, बता तो रियलिटी रहा हूं ना यार, साइड में किसी की क्यों लूं। ठीक है, जस्ट सिंपल सी बात है, जो भी सच्चाई आप लोगों के सामने रखना। तो यहां पर जो थे वो रक्षण शर्मा को परमिशन लेनी चाहिए थी, अगर विद परमिशन वो ये चीज करते और फिर अगर इनके साथ ये चीज होती तो मैं नो डाउट कह सकता था कि पुलिस वाला गलत था। ठीक है मेरे भाई, तो फर्स्ट ऑफ मतलब कि पहली चीज ये कि भाई उनको जो थी वो परमिशन लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो विदाउट परमिशन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो था वो रक्षण शर्मा भी गलत थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट पुलिस वाले की, कि अगर वो पुलिस वाले के पास गए, ठीक है, तो उन्होंने उससे कहा कि भाई मैं पुलिस वाला लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ। ठीक है, तो पुलिस वाले ने उनको मारा। देखो यार, वीडियो में या कोई भी ऐसे प्रूफ में यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है कि पुलिस वाले ने उनको मारा। ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई मारते वक्त वीडियो ना बनी हो और मारा हो, वो तो हम रक्षण शर्मा के मुंह से ही सुन रहे हैं कि उन्होंने मतलब कि पुलिस वालों ने उनको मारा। चलो ठीक है यार, मारा, ठीक है मारा, तो अगर एक्चुअली में उन्होंने उनको मारा, पुलिस वालों ने जो तो रक्षण शर्मा को मारा, तो यहां पर पुलिस वाले की सिंपल सी गलती है कि अगर कोई इंसान कर भी रहा है, लॉ ब्रेक कर भी रहा है या विदाउट परमिशन यूनिफॉर्म पहन के पब्लिक में घूम रहा है, तो उनकी कोई उनको परमिशन नहीं देता या कोई उनको ये चीज नहीं कहता कि तुम उसके ऊपर हाथ उठाओ, वो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, उसे थाने में ले जा सकते थे, पूछताछ कर सकते थे और जो भी चार्जेस थे, जो भी चीज थी या जो भी प्रोसीजर था वो आगे फॉलो कर सकते थे। लेकिन खुद ही जो था वो हाथ उठाना पब्लिक के बीच में, वो चीज गलत थी, वैसा चीज पुलिस वालों को भी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इतना सा आपके भाई का कहना है, बाकी आपका क्या कहना है कमांडो। तो यहां पर पुलिस गलत थी, अगर वो उनसे साथ पूछने गया था तो उनको अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो एज अ लॉ प्रोसीजर है वो फॉलो करना चाहिए था, ना कि उसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए था। ठीक है, जस्ट सिंपल सी थिंग है, इतनी सी चीज में आप लोगों को कहना चाहता हूं। अब सेकंड मतलब कि अब सेकंड चीज ये कि भाई
एक जो मैं अपना ओपिनियन बोल रहा हूँ कि जैसे देखा होगा कि रक्षण शर्मा ने कहा कि भाई यूनिफॉर्म तो एनसीसी वाले पहनते हैं, यूनिफॉर्म तो ड्राइवर भी पहनते हैं, यूनिफॉर्म तो हर कोई पहनता है, तो उसमें कौन सी गलत बात है। देखो इस पॉइंट पर मैं इतना सा आता हूँ ना कि देखिए, देखो पहली बात तो एनसीसी वाले अगर यूनिफॉर्म पहन रहे तो वो जाकर कहीं पर किसी को मैसेज नहीं दे रहे, किसी का चालान नहीं काट रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। और अगर बाकी लोग पहन रहे तो वही है। और सेकंड चीज, अगर यूनिफॉर्म देख रही होगी तो वो मेरे हिसाब से तो यार पुलिस वाले नहीं लग रहे थे उस ड्रेस में, वो तो एक खुद दिखती वाली बात है कि अगर उन्होंने पूछने थे तो वो अपने घर से भी पूछ के आ सकते थे कि मम्मी या पापा मैं आज पुलिस वाला लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, तो उनको वहीं से जवाब मिल जाता और शायद ये चीजें आगे बढ़ती ही ना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट ये होता है कि हो सकता है ये कॉन्ट्रोवर्सी या ये चीज जो है वो रक्षण शर्मा ने जानबूझ कर की हो। अब इस पॉइंट से भी जो है वो काफी लोग अफेंड हो सकते हैं, काफी लोग मेरे ऊपर चढ़ सकते हैं कि भाई जानबूझ कर कैसे। देखो यार तुम मानो ना मानो, लेकिन इस चीज होने के बाद फायदा हुआ किसको? देखो मेंटली प्रेशर हुआ, मेंटली कुछ हुआ, कोई रोने लगा, कोई इमोशनल हो गया, कोई डिप्रेशन हो गया, वो अलग बात है। लेकिन फायदे की बात करें तो भाई नो डाउट कि रक्षण शर्मा की वीडियो 1 लाख पर पार चली गई व्यूज में, और उनके सब्सक्राइबर की स्पीड भी इंक्रीज हो गई, ठीक है, चैनल पर उन्हें सिंपैथी भी मिलने लगी, नए नए लोगों ने उनके ऊपर वीडियोस भी बनाई मेरे भाई, उनके सपोर्ट में ही बनाई जहां तक मैंने मैक्सिमम देखी, ठीक है। तो देखो यार ऐसी चीज है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है मेरे भाई कि उन्होंने जो थी वो जानबूझकर जो है वो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी ताकि उनको व्यूज मिल सके, ताकि उनको ये जो, देखो यार होने को कुछ भी हो सकता है, हम और आप ना ऑडियंस ना सिर्फ उतना देखती है जितना उन्हें दिखाया जाता है या जितना हम उन्हें दिखाना चाहते हैं या जो ये चीजें कर रहा है वो उन्हें दिखाना चाहता है, लेकिन एक्चुअली में क्या चीज है वो तो सिर्फ रक्षण शर्मा ही जानते हैं ना कि उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया। अब सही इंटेंशन भी हो सकता है, गलत इंटेंशन भी हो सकता है, वो तो उनको पता है ना यार, जो जरूरी नहीं है ना कि यार हर बंदा सच्चा और हर बंदा जो चीज बोल रहा है वो सही बोल रहा हो, ठीक है। तो देखो इतनी सी चीज थी, इतना सा मेरा कहना था इस चीज के ऊपर कि देखो यार सिंपल सी बात है यार कि रोटी है ना चपाती मेरे पे दोनों हाथों से पकती है, कहीं ना कहीं पर रक्षण शर्मा की भी गलती थी और कहीं ना कहीं पर पुलिस की भी गलती थी जिसकी वजह से मामला ये इतना हुआ। फिर यार मतलब सिंपल सी बात बोले तो फिर उन्होंने उस पुलिस वाले की वीडियोस भी निकाली जिनमें कि वो गन वगैरह दिखाकर अपनी रील्स वगैरह बना रहा है या अपनी वीडियोस वगैरह बना रहा है, तो वो तो मतलब इससे कंट्रोवर्सी से हटके था, लेकिन चीज तो वो भी गलती कर रहा था, तो फिर उन्होंने इस बेस पर वो भी निकाली, ये भी निकाली। तो देखिए यार एट द एंड ना मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था, और मेरा यही था, मेरा टोटली पॉइंट ऑफ व्यू ये है और इतना सा है ना भाई कि देखो यार अगर कर रहे थे एक्सपेरिमेंट तो विद परमिशन से करो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास एक परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। और भाई अगर पुलिस वाला है तो उनको भी कानून फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो कानून के बंदे, उनके पास कोई पर्सनल पावर नहीं है, जो है वो एज अ लॉ है, ठीक है, तो वो चीज है, ठीक है, मतलब कि एज अ लॉ फॉलो करना चाहिए, तो उन्हें भी अपने मनमानी नहीं करनी चाहिए थी, और रक्षण शर्मा को भी परमिशन लेनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि वर्दी अगर वो पुलिस की पहन रहे तो विदाउट परमिशन तो नहीं पहनी जाती यार, इतना सा मेरे को भी पता है नहीं पता है, लेकिन मेरी नॉलेज इतनी कि विदाउट परमिशन आप नहीं पहन सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आप जो भी हायर अथॉरिटीज है वहां की जो भी मतलब परमिशन दे सकते हैं इस लेवल की कि आप यूनिफॉर्म पहनो, तो उनसे तो एटलीस्ट परमिशन लेनी चाहिए थी। बस इतना सा कहना था यार कि गलती दोनों तरफ से थी, तो भाई एक बंदे के ऊपर ना चढ़ जाओ, जैसे मैं रहा था कि सारे लोग जो थे वो पुलिस वाले के ऊपर चढ़ गए थे, उसने मारा कैसे, उसने मारा कैसे, तो कहीं ना कहीं यार रक्षण शर्मा की भी गलती थी। देखिए यार अगर तुम किसी की गलती पे उसको उसकी गलती नहीं बता रहे बल्कि अपना वो बता रहे हो, अपनी सिंपैथी निकाल रहे हो, तो वो चीज भी गलत है ना यार। अगर मेरी गलती है तो भाई बेशक मुझे बताया कि भाई ये आपकी गलती है, ठीक है, मेरे को बुरा लगे सही लगे, लेकिन बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सिर्फ इसलिए नहीं बताओ कि यार भाई अपना तो क्या ही गलती गिनाना, तो वो चीज गलत है यार, वो कहीं ना कहीं जाके आगे मेरे को ही दिक्कत करेगी। अगर अभी यहां पर रक्षण शर्मा की गलती है, पब्लिक सारा सपोर्ट रक्षण शर्मा को दिखा रही है, उसकी गलती पर भी उसको सपोर्ट दिखा रही है, तो आज नहीं तो कल भाई वो दिक्कत रक्षण शर्मा को ही देगा, हमको नहीं देगा, ठीक है। तो देखो ये था आपके भाई का कहना, ये आपका भाई का ओपिनियन था, तो बस इतनी सी चीज थी यार, परमिशन लेनी चाहिए थी, तो बाकी क्या ही कह सकते हैं यार हम, बस इतना तो ओपिनियन था यार अपना, और वीडियो लेट डालने का यही रीजन था कि भाई जैसे सिंपल सी थिंग है कि मतलब यही रीजन था कि यार अगर उस टाइम डालता तो लोग बोलते व्यूज के लिए कर रहा है, तो व्यूज के लिए रक्षण शर्मा के खिलाफ जा रहा था कि रक्षण शर्मा तेरे ऊपर बोले तेरे को व्यूज आए, मुझे फर्क नहीं यार पड़ता, जस्ट सिंपल सी थिंग करना। आई मीन ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ, इतना बोलता हूँ कि शेयर कर दो, लोगों तक भी ये बात पहुंचा दो, ओपिनियन पहुंचा दो, अगर सही लगा तो, नहीं लगा तो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब के लिए मैं कभी नहीं बोलता क्योंकि मेरा कंटेंट है सिर्फ व्लॉग्स बनाना, ठीक है। देखो यार अब ये चीज यहाँ पर निकलने आती है ना कि सिर्फ इस चीज के चक्कर में कि भाई रक्षण शर्मा भी एक व्लॉगर है, मैं भी व्लॉग डालता हूँ, तो आज नहीं तो कल शायद मेरे को रक्षण शर्मा के साथ व्लॉग बनाने पड़ जाए, हो सकता है मेरे को उससे बेनिफिट हो, क्योंकि आपको मैं तो उसके साथ व्लॉग बनाऊंगा तो व्यूज आएंगे, हो सकता है वहां से सब्सक्राइबर भी आ जाए, तो सिर्फ इस बेस पर मैं ऊपर में सिर्फ रक्षण शर्मा की साइड लेता, रक्षण शर्मा की साइड पर ही वीडियो बनाता, तो भाई कहीं ना कहीं यार वो चीज गलत हो जाती, ठीक है मेरे भाई। और भाई एक चीज सही करके दूसरी चीज में गलत नहीं करना चाहता, ठीक है, जितना हो सकता है आपका भाई सही करता है और हमेशा सच के साथ ही रहता है, ठीक है। बस यार इतना सा कहना है, बाकी इतना सा आपके भाई का कहना था, और आपका क्या कोई ओपिनियन है इस चीज के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरी कौन सी बात आपको गलत लगी कि भाई अर्जुन भाई आपने इस वीडियो में ये चीज गलत बोल दी, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भद्रवा, जय भद्रकाशी।